आज की वीडियो में मैं आपके साथ में देखो कुछ बहुत ही ज्यादा अमेजिंग सी और बेसिक सी ग्रूमिंग टिप्स शेयर करने वाली हूँ। मैंने जो फर्स्ट पार्ट किया था ना ग्रूमिंग टिप्स का, उसके बाद में बहुत सारे लोग लगातार मुझसे कह रहे हैं कि आंचल जल्दी से सेकंड पार्ट भी लाओ ना। तो यार देखो, आज की वीडियो में मैं आपको वो सारी चीजें बताने वाली हूँ जो स्पेशली टीनएजर्स को पता होनी चाहिए। तो आज मैं आपकी प्रिय सखी आपको बहुत सारी चीजें बताने वाली हूँ कि आप अपने स्किन को कैसे अच्छा कर सकते हो, आपके फेस को, आपकी बॉडी को, आपके हेयर को, बहुत सारी चीजों का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो सारी चीजें अब ध्यान से सुनना, प्लस उनको फॉलो भी करना। तो चलो फिर जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली चीज जिसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ ना, देखो यार हर इंसान की वो पर्सनल चॉइस है। अगर आप चाहो तो उनको रिमूव करो, नहीं चाहते हो तो नहीं करो। और मैं बात कर रही हूँ फेशियल हेयर की। आपको अगर पसंद हो आपके फेशियल हेयर तो आप उनको नहीं रिमूव कर सकते हो। फिलहाल मुझे नहीं अच्छा लगता कि मेरे फेस पे मेरी बॉडी पे हेयर हो, तो मैं उनको रेगुलर रिमूव करती रहती हूँ। और इसके लिए मैं रेजर का यूज़ करती हूँ। एक पूरा प्रोसेस होता है उसको रिमूव करने का, जिससे कि हमको बाद में बम्प्स ना हो, रैशेस की प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आप कहोगे तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो कर दूंगी जिसमें आपको फुल डिटेल में आपको सारा पूरा प्रोसेस बता दूंगी कि हेयर को कैसे एग्जैक्टली रिमूव करने चाहिए। बट आप अगर उनको रिमूव कर लेते हो ना, तो आप और भी ज़्यादा अच्छे दिखने लगते हो, क्लीन और वेल ग्रूम दिखने लगते हो, ऐसा मेरा मानना है। बाकी मैं आपको आपके थोप नहीं रही हूँ कि आपको रिमूव करने ही करना चाहिए। अगर आप रिमूव करना चाहते हो तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना है कि फेस के हेयर को आपको अच्छे से रिमूव करना है, अपनी बॉडी के हेयर को रिमूव करना है, साथ में आपके कान पे जो हेयर होते हैं ना, आप उनको भी रिमूव कर लिया करो। ऐसे समझ में नहीं आता, बट जब आप उनको रिमूव करना स्टार्ट करोगे ना, कान से काफ़ी ज़्यादा बाल निकलते हैं। नोज पे जो हेयर होते हैं ना, नोज के बाहर, नोज के अंदर, आप उनको रिमूव कर लो। बैक साइड पे, नेक के बैक साइड पे जो हेयर होते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा खराब दिखते हैं। अगर आप बन बना रहे हो और कोई अच्छी सी ड्रेस कैरी कर रहे हो और ऐसे पार्टी में जा रहे हो, तो वो अच्छा नहीं लगता है देखने में, उसकी वजह से लुक खराब हो जाता है। तो आप वहाँ के हेयर को भी अच्छे से रिमूव कर लिया करो, और मैं हमेशा रिमूव करती हूँ। तो यस, ये सबसे पहले टिप हो गई जो आई थिंक फॉलो करना चाहिए यार। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ देखो, अच्छा आप जब भी नहाते हो तो आप सोप या फिर बॉडी वॉश का यूज़ ज़रूर ही करते होगे आपके बॉडी में, बट अब से आप एक चीज़ फॉलो करना स्टार्ट कर दो, आप लूफा का यूज़ करो आपकी बॉडी पे, आपके फेस पे भी, आपके हाथ पैर पे, आपके पेट पे, हर जगह पे। इससे क्या होता है, एक तरीके से मसाज हो जाती है, और जो गंदगी सोप रिमूव नहीं कर पाता है वो लूफा बहुत ही अच्छी तरीके से रिमूव कर देता है। तो जो भी डर्ट होती है आपके स्किन पे, उसको रिमूव करने में लूफा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो आपको उससे नहाना चाहिए। प्लस अगर आपको थोड़ी बहुत इचिंग की प्रॉब्लम होती है ना समर में स्वेट की वजह से, जो कि ऑब्वियसली होती है, तो लूफा के से नहाने के बाद में ना ये प्रॉब्लम आपको काफ़ी ज़्यादा कम फेस करनी पड़ेगी। तो ये बहुत ही ज़रा अच्छा पॉइंट है लूफा यूज़ करने का, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो, और ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है। अच्छा, कुछ साल पहले की बात है, 3-4 साल हो गए होंगे, मेरे फिंगर का ये बीच का जो एरिया था ना, वो काफ़ी ज़्यादा ब्लैक हो गया था, क्योंकि मैं थोड़ी केयरलेस हो गई थी अपने स्किन को लेकर, जिसकी वजह से यहाँ पर गंदगी इकट्ठा हो गई थी, और जो देखने में बहुत ही ज़्यादा खराब लगता है। बट धीरे धीरे मैंने उसको सही कर लिया, और अभी देखो बिल्कुल भी गंदगी या फिर कहीं से भी ब्लैकनेस आपको यहाँ पे नहीं दिखेगी। तो फिंगर के ये जो बीच वाला एरिया होता है ना, बहुत सारे लोग उसको अच्छी तरह से क्लीन नहीं करते, जिसकी वजह से देखने में बहुत ज़्यादा खराब लगता है। आपके पूरे हाथ अच्छे हैं, आपने सब कुछ लगाया हुआ है, बट ये एरिया ब्लैक दिख रहा है तो नहीं अच्छा लगता देखने में। तो इसकी ब्लैकनेस को खत्म करने के लिए देखो क्या करना है, आपको लेमन यूज़ करते रहना है, डेली आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा अप्लाई कर लो, जब भी आप आपकी बॉडी पे स्क्रब का यूज़ करो ना, तो यहाँ की स्किन को ज़रूर से ज़रूर एक्सफोलिएट करो, जैसे कि जो भी गंदगी हो, डेड स्किन हो, डेड सेल्स हो, वो आसानी से रिमूव हो जाए। साथ में जब भी आप लूफा का यूज करो आपकी बॉडी पे, तो लूफा का यूज आपको यहाँ पे भी करना है। तो इस चीज को आप लोग जरूर ट्राई करना। अच्छा, आपकी तरह सबसे ज्यादा मैंने भी एक चीज बहुत ज्यादा फील करी इनिशियल डेज में, क्या था कि जब भी मैं बहुत सारी चीजें अप्लाई कर रही थी, ट्राई कर रही थी, तो एक चीज मेरे को समझ में आई कि फेस के लिए बहुत कुछ मिल जाता है कि हाँ ये अप्लाई करो, वो अप्लाई करो, बहुत सारे प्रोडक्ट्स, पर बालों की जब बात आती है ना, तो उतना ज्यादा समझ में नहीं आता है कि आखिर वैसा क्या यूज कर ले जिससे कि हमारे बाल अच्छे हो जाए। मतलब शैम्पू, कंडीशनर आम बात होगी, हमको मिल जाते हैं कि हम ये यूज कर लेंगे, ऑयल भी मिल जाता है, बट और हम ऐसी क्या चीजें यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम दूसरों को देखते हैं ना, यार इसके बाल कितने ज्यादा अच्छे, इस लड़की ने पता नहीं क्या कराया है, शायद हेयर स्पा कराया होगा, स्मूदिंग कराया होगा, पता नहीं क्या कराया होगा, जो कि बहुत ज्यादा महंगे महंगे ट्रीटमेंट होते हैं, और आप उतना पैसा लगाना भी नहीं चाहते हो। बहुत ज्यादा पैसे होते हैं यार, 4-5 हज़ार रुपए अपने बालों पे सिर्फ लगाना। तो मुझे लगता है कि यार अगर आपके साथ में भी ऐसा है ना, तो आज के वीडियो में मैं आपको इसका बेस्ट सॉल्यूशन देने वाली हूँ, जिससे आपको बहुत सारे पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, प्लस आप आपके बाल को काफी ज्यादा अच्छा भी कर लोगे। देखो सबसे पहली चीज, आपको एक चीज का ध्यान देना है कि जब भी आपको लगे कि आपको स्प्लिट इंड्स की प्रॉब्लम हो गई है ना, आप उनको घर में ही अच्छी तरीके से रिमूव कर लो, आप उनको ट्रिम कर लो। बस हाँ, आपके बालों में ऑयल नहीं होना चाहिए, आपके बाल कंप्लीटली ड्राई होने चाहिए। आप अपने बालों को दो पार्ट में डिवाइड करो, फिर आपको थोड़े थोड़े बाल लेने, उनको ऐसे रोल करते जाना है, और उसके बाद में आपको अपनी फिंगर की हेल्प से कुछ इस तरीके से करना है। अब इससे जो भी स्प्लिट इंड्स की प्रॉब्लम होगी ना, जो भी दो मुहे बाल होंगे ना, वो सारे ऊपर आ जाएंगे। आपको लेनी है कैंची और उसकी हेल्प से सारे बालों को उड़ा देना है, मतलब जो भी बाल बाहर निकले हैं ना,
आपको उनको अच्छे से रिमूव कर लेना है, थोड़ा धीरे धीरे करना, वरना आप पूरे बाल ना उड़ा दो, तो इस चीज़ का ध्यान देना। और इसी तरह से पूरे बालों पे आपको करना है, तो जो भी स्प्लिट इंड्स होंगे ना वो बहुत इसी तरीके से रिमूव हो जाएंगे। साथ में ही आपको नीचे साइड के बालों को रिमूव करते जाना है थोड़े थोड़े, जहाँ से भी आपको लगे हेयर बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए हैं। और ऐसा हमेशा होता है कि काफ़ी 4-5 मंथ के बाद में हेयर खराब हो ही जाते हैं, स्प्लिट इंड्स बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आप आराम से उनको अच्छे से ट्रिम कर लो या फिर किसी से करा लो, तो इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है हेयर ग्रोथ में, प्लस आपके बाल थोड़े से अच्छे भी दिखने लगते हैं। और अगर आपको ड्राई हेयर या फिर फ्रिज हेयर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है ना, तो इसके लिए सिंपली आप एक अच्छा सा हेयर सीरम यूज़ कर लो और एक बेस्ट सॉल्यूशन होता है इस प्रॉब्लम का। मैंने अपने पिछले एक वीडियो में आपको बोला था कि मैं इस टाइम पे एक नया हेयर सीरम यूज़ कर रही हूँ और अगर अच्छा लग जाता है तो मैं जल्दी आपके साथ में शेयर करूँगी। तो आज की वीडियो में मैं उस हेयर सीरम के बारे में आपको बताने वाली हूँ, वो है ये विलवा का एंटी फ्रिज हेयर सीरम। ये वाला सीरम देखो मैंने इसलिए मंगाया था क्योंकि मुझे भी ड्राई हेयर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई है। मैंने भी अपने बालों पर कलर कराया, हेयर स्पा कराया, उसके बाद में पता है बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, फ्रिज हेयर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है, स्प्लिट्स हो जाते हैं। और इसके लिए हमें एक ऐसा ही हेयर सीरम यूज़ करना चाहिए जो इन सारी प्रॉब्लम को काफ़ी अच्छी तरीके से सही करे। इसको यूज़ करने का देखो तरीका सिंपल सा ये है कि जब भी आप आपके बालों को वॉश करते हो ना, बस बालों को वॉश करने के बाद में जैसे ही वो हल्के से सूख जाते हैं, बस आपको यही थोड़ा सा हेयर सीरम लेना है और आपके पूरे बालों पे आपको इसको अच्छी तरह से अप्लाई करना है। लगाने के बाद में इंस्टेंट आप देखोगे आपके बालों में शाइन आ जाएगा, आपके बाल काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएंगे। इस हेयर सीरम की ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी है और काफ़ी लंबे टाइम तक ये हेयर सीरम हमारे पे रहता है। और पता है इसके इंग्रेडिएंट्स भी मैंने देखे काफी ज्यादा अच्छे हैं, मतलब इसमें ब्लैक सीड ऑयल का यूज किया गया है, एलोवेरा बारबेडेंसिस है, करी लीफ ऑयल है, जैस्मिन फ्लावर एक्सट्रैक्ट है, हिबिस्कस ऑयल है, ग्लिसरीन है, फेनोग्रीक सीड एक्सट्रैक्ट है, आमला है, विटामिन ई ऑयल है, मतलब जितनी भी चीजें आप देखोगे ना इसके बारे में कहीं ना कहीं आपने जरूर सुना होगा कि ये सारी चीजें अगर हम बालों पर यूज कर लें तो हमारे बाल काफी ज्यादा अच्छे हो सकते हैं। और ये सारे इंग्रेडिएंट्स कमाल के होते हैं हमारे बालों के लिए। और ये जो विलवा का प्रोडक्ट है ना, इसमें एक चीज और बहुत ज्यादा अच्छी है कि इसमें किसी भी हार्श केमिकल का यूज नहीं किया गया है, मतलब ना ही पैराबेंस है, ना ही सिलिकॉन है, ना ही मिनरल ऑयल है, ना ही आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस है, ना ही ग्लाइकॉल है, तो मतलब कम्प्लीटली सेफ हो गई हमारे बालों पे। और पता है इनकी एक और चीज मुझे पसंद आई कि ये लोग इनके प्रोडक्ट्स ना एनिमल पे पहले टेस्ट नहीं करते हैं, तो ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी। तो इस हेयर सीरम को मैंने जहाँ से बाय किया था ना वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर मेंशन कर दूंगी, जो लोग भी बाय करना चाहते हैं वो इसको इजिली बाय कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों को क्रैक्ड हेयर्स की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, बहुत सारे ऐसे टीनएजर्स भी है जिनकी एड़ियां काफी ज्यादा खराब दिखती है, बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, वो अजीब सी दिखने लगती है, फट जाती है। तो अगर आपके साथ में ऐसा है ना तो आपको पेडिक्योर कराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और ना ही आपको किसी भी प्रोडक्ट में एक्स्ट्रा पैसे लगाने की जरूरत है। सिंपली आपको डेली रात में एक चीज करना होगा, मिल्क क्रीम जो होती है ना मलाई दूध की, आपको वो थोड़ी सी लेनी होगी और आपको अपनी एड़ियों पे अच्छे से उनको अप्लाई करना होगा, लगा के आप सो जाओ और डेली इस चीज को फॉलो करना स्टार्ट कर दो। यार मैं कह रही हूँ एक हफ्ते के अंदर अगर आपकी क्रैक हेयर्स की प्रॉब्लम सही ना हो जाए ना तब आप मुझसे कहना, मतलब ये बहुत ही ज्यादा रामबाण उपाय है इस प्रॉब्लम का। मेरी मम्मी को ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी, मैंने उनको बताया, उन्होंने फॉलो किया और बहुत सही उनको रिजल्ट मिला। तो आप इस चीज को ट्राई करके देखना अगर आपके साथ में भी ऐसा कुछ है तो। देखो अच्छा, आप अपनी स्किन और अपने हेयर को जैसे क्लीन और सुंदर रखना चाहते हो ना, वैसे जो चीज आप डेली यूज कर रहे हो उनको भी क्लीन रखना चाहिए। जैसे कि सबसे पहली चीज होगी मेकअप ब्रशेस, जो भी आप मेकअप ब्रशेस यूज करते हो ना रेगुलर बेसिस पे आपको उनको क्लीन करना चाहिए, अच्छे से वॉश करना चाहिए, क्योंकि अगर वो बहुत ज्यादा गंदी होती जा रही है ना, आप उनको धूल ही नहीं रहे हो और आप उनको यूज करते जा रहे हो आपके फेस पे, तो उनमें जो भी धूल गंदगी होगी आपके चेहरे पे आएगी, जिससे आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएगी और बहुत सारी फेशियल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएंगी, तो उनको अच्छे से वॉश करते रहना चाहिए। साथ में ही फोन कवर जो होता है ना आपका, आपको उसको क्लीन करते रहना चाहिए रेगुलर बेसिस पे, उस पर भी बहुत सारी धूल गंदगी आ जाती है। जब आप फोन लेके ऐसे बात करते हो ना तो फोन का ये जो नीचे वाला एरिया होता है ना वो आपके चीक पे टच होता है, तो इसकी वजह से इस पे जो गंदगी होती है वो आपके चीक्स पे आ जाती है, तो पिंपल्स हो सकते हैं। तब से आपको इस चीज का ध्यान देना है कि आपको आपके मेकअप ब्रशेस जो भी आप यूज करते हो और आपके फोन कवर को अच्छे से क्लीन करते रहना है। स्किन बॉडी और हेयर के साथ साथ आपको हमेशा आपके नेल्स को भी अच्छी तरह से क्लीन रखना चाहिए। अगर आपको लॉन्ग नेल पसंद है तो लॉन्ग रखो, शॉर्ट पसंद है तो शॉर्ट रखो, बट मेरे कहने का मतलब ये है कि आप उनको हमेशा क्लीन रखो, गंदगी उनमें नहीं होनी चाहिए। साथ में बीच बीच में रेगुलर बेसिस पे आपको जब भी लगे कि आपके नेल्स खराब हो गए हैं आप उनको अच्छे से ट्रिम कर लो, आप उनको फाइलर की हेल्प से अच्छे से सेट कर लो, जिससे कि वो कहीं से भी खराब ना लगे। और अगर आप आपके हाथों को आपके नेल्स को और भी ज्यादा सुंदर दिखाना चाहते हैं तो बहुत ही प्यारा सा आपको अच्छा सा नेल कलर यूज कर लो, नेल पेंट यूज कर लो
और अपने नेल्स पे अप्लाई कर लो तो बस आपके नेल्स भी काफी ज्यादा अच्छे और हेल्दी दिखेंगे, जिसकी वजह से आप काफी ज्यादा सही दिखोगे, वेल ग्रूम दिखोगे। देखो एक बेसिक सी चीज आप लोगों को हमेशा फॉलो करनी चाहिए कि आपको परफ्यूम जरूर यूज करना चाहिए आपकी बॉडी पे। आप भी बाहर जा रहे हो, कोई फंक्शन अटेंड करने जा रहे हो तो वहां पे तो आपको लगा के जाना ही परफ्यूम, बट अगर ऐसे घर पे भी हो ना तो थोड़ी सी लगा लिया करो। मतलब मेरी तो आदत है, मैं डेली परफ्यूम अप्लाई करती हूँ और ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी बॉडी से बैड स्मेल आ रही है ना और आप किसी से मिल रहे हो तो बहुत ही ज्यादा वियर्ड सिचुएशन होती है यार, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, सामने वाला भी आपके बारे में अच्छा नहीं सोचेगा। तो आपको हमेशा परफ्यूम यूज करनी चाहिए। नेक्स्ट चीज, अच्छा देखो पता नहीं लोग ऐसा आलस के चक्कर में करते हैं, पता नहीं क्या रीजन है, बट मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो लोग कपड़े पहनते हैं ना उनके कपड़े अच्छे से क्लीन नहीं होते, गंदगी होती है कुछ ना कुछ, पसीने का निशान होता है या फिर वो लोग कपड़े को आयरन नहीं करते, तो ये चीजें ना बहुत ही वियर्ड होती है, बहुत ही ज्यादा खराब दिखती है, आप वेल ग्रूम बिल्कुल भी नहीं लगते और बहुत ज्यादा खराब दिखोगे। आप मार्केट भी जा रहे हो या किसी पार्टी में भी जा रहे हो, आपको हमेशा आपके कपड़ों को क्लीन रखना चाहिए, प्लस जो शूज आप पहन रहे हो वो भी क्लीन होने चाहिए, उनमें धूल गंदगी गंदे वो नहीं होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए, प्लस आप उनको अच्छे से आयरन कर लो। बहुत सारे ऐसे फैब्रिक होते हैं जिनमें आयरन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वो तो चलो ठीक है, बट बहुत सारे ऐसे जैसे कॉटन के कपड़े हो गए या फिर जो भी है उनमें आप आयरन हमेशा कर लो, तभी उनको वेयर करके आप बाहर जाओ, तभी आप अच्छे दिखोगे, सही दिखोगे, अट्रैक्टिव दिखोगे, प्लस वेल ग्रूम्ड दिखोगे। तो ये चीज आप लोग हमेशा फॉलो किया करो। तो बस यार यही था मेरा सिंपल सा ग्रूमिंग टिप्स का वीडियो। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा, मुझे पता है बेसिक सी टिप्स हैं बट आपको जरूर फॉलो करने चाहिए वेल ग्रूम्ड होने के लिए। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और अगर कोई भी चैनल पर नया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। यही पिन करते हैं आज के इस वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय।